अब तक पिछले कुछ लेसन्स में देखा कि इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। तो अब यहाँ पे ये एक्चुअली क्लास एनसीईआरटी क्लास 8th में ये सारे टॉपिक्स हैं, उससे आगे, इससे पहले क्लास 7th के थे। तो अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे यहाँ लीनियर एक वर्ड है, एक है इक्वेशन और एक है वेरिएबल, तीन चीजें क्या है। तो इक्वेशन क्या था ये देखा था हमने, वेरिएबल क्या होता है ये भी देखा था, ठीक है, लीनियर क्या होता है ये भी देखेंगे अभी। तो मैंने बताया था कि कुछ एक्सप्रेशन होते हैं और कुछ इक्वेशन होते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो और इक्वेशन बताया था कुछ, तो एक्सप्रेशन तो कुछ भी अगर लिखा हुआ, जैसे 5x लिखा है या फिर सपोज 2x-3, 5x² + 9 -3x, ठीक है, तो ये सारे एक्सप्रेशन है। इक्वेशन में क्या होता है कि वहां पे एक इक्वलिटी साइन आना चाहिए, ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वलिटी साइन। तो इक्वेशन में इक्वलिटी साइन का होना बहुत जरूरी है, जैसे 2x-3 ये एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे समथिंग 4 कर दिया, ठीक है, तो ये इक्वलिटी आ गया यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन हो गया ये, ठीक है। तो किसी इक्वेशन में कुछ चीजें होती हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, पहले वो जान लें। यहाँ पे जो एक्स है, इस पूरे इक्वेशन में एक्स, बाकी सारे नंबर्स हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स हैं, सिर्फ एक यही चीज है जो कोई अल्फाबेट में लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। और ये जो साइन है इसको बोलते हैं इक्वलिटी साइन, ये इक्वलिटी हो गई। अब इस पूरी चीज को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो इक्वलिटी के बाएं हाथ पे हो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो दाहिने साइड पे है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। पूरा नाम है इसका लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया राइट हैंड साइड। तो बोलेंगे कि एल एच एस इक्वल टू 2x-3 और आर एच एस इक्वल टू 4, ठीक है। तो मेन यही टर्म्स है, तो ये हो गई टर्मिनोलॉजी, ठीक है, कि किसको क्या बोलते हैं। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्विंग द इक्वेशन या सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सपोज हमने इसको सॉल्व किया, इसका सॉल्यूशन निकाला, तो एक्स की कुछ वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में वापस से, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो फिर बाद में हम चेक कर लेंगे कि हमारा सोल्यूशन सही है या नहीं। हमने कुछ सोल्यूशन निकाला, उसको इक्वेशन में पुट किया और देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं। अगर है तो हमारा सोल्यूशन सही है, और अगर नहीं है तो हमारा सोल्यूशन गलत है, तो हमें हमने कहीं गलती की है, फिर हम जाके उसको सुधारेंगे, ठीक है, और फिर फाइनली सही सोल्यूशन निकालेंगे। तो आगे देखते हैं, इसमें कुछ और चीजें देखते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज हमने एग्जाम्पल लिया 2x-3 इक्वल टू 7, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि एक्स की वैल्यू कितनी है, इसी को बोलते हैं सोल्यूशन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो गया, ये जैसे कुछ टर्म्स जो देखे थे हमने, एल एच एस हो गया 2x-3, आर एच एस इक्वल टू हो गया 7। तो जो सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन के लिए एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर होने चाहिए, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, 2x-3 इक्वल टू 7 था, 3 को इधर ले गए, तो 2x इक्वल टू 7+3 हो गया, इक्वल टू 10 हो गया, तो एक्स इक्वल टू 10/2, इसको इधर लाए, तो ये हो गया 5। तो ये बोल देंगे कि x इक्वल टू 5 हमारा ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन किसका है, इस इक्वेशन का है। अब कैसे पता चलेगा हमारा सोल्यूशन सही है नहीं, तो हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन में, तो
तो इक्वेशन में पुट कर दिया हमने, 2x की जगह 5 डाल दिया, माइनस 3, ठीक है, तो ये LHS हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 आ गई, और RHS तो 7 है ही, तो फॉर x इक्वल टू 5 LHS इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है। तो ये बोल देंगे कि हमारा जो x सोल्यूशन है x इक्वल टू 5 ये सही सोल्यूशन है, ठीक है। अब देखते हैं कि कोई और सोल्यूशन लेते हैं, अगर सपोज हमने ले लिया, सपोज हमने ले लिया x इक्वल टू 10, ठीक है, हम बोलते हैं x इक्वल टू 10 सोल्यूशन है, तो कैसे पता करेंगे ये सोल्यूशन है या नहीं। तो x इक्वल टू 10 के लिए LHS क्या हो गया, 2 इंटू 10 माइनस 3, तो 20 माइनस 3 इक्वल टू 7 आ गया, 17 आ गया, और RHS कितना है, RHS तो 7 ही है, तो LHS इक्वल नॉट इक्वल टू RHS है, यानी कि x इक्वल टू 10 सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, गलत सोल्यूशन है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि इक्वेशन सिर्फ सिंपल सा ही हो, इसमें फ्रैक्शन भी आ सकते हैं, जैसे सपोज एग्जांपल लिया हमने x बाई 3 प्लस 5 बाई 2 इक्वल टू माइनस 3 बाई 2, ठीक है। तो अब इसमें सारे फ्रैक्शंस हैं, तो फ्रैक्शंस का सम एडिशन और सब्ट्रैक्शन एडिशन ये सब कैसे करते हैं, ये एक सेपरेट वीडियो में बताया गया है, ठीक है, उसको उसको भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कंसर्न नहीं हमारा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो x बाई 3 है, ठीक है, इसको इधर लाए हम, इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 हो गया, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो 3 बाई 2 प्लस 5 बाई 2 हो गया। अब फ्रैक्शंस को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हमें 3 बाई 2 और 5 बाई 2 को ऐड करना है, तो जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में, ठीक है, हर बोलते हैं इसको, हर इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, और जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, या फिर अंश बोलते हैं इसको, और ये हर हो गया। तो जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेते हैं, तो डिनोमिनेटर यहाँ गया है 2 और 2 है, तो इसका एलसीएम लिया हमने, तो 2 1 1 आ गया, अब यहाँ सारे 1 1 आ गए, तो इसका एलसीएम जो हो गया वो 2 हो गया, उसके बाद यहाँ 2 कर दिया। फिर देखते हैं कि 2 एक कम 2 है, तो ऊपर भी वही करते हैं, 3 एक कम 3 करेंगे फिर, और यहाँ 2 एक कम 2 है, तो यहाँ 5 एक कम 5 कर देंगे, तो ये हो गया 5 3 8 बटे 2, यानी कि 4 आ गया, तो ये इस चीज़ की वैल्यू 4 आ गई, तो ये माइनस 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो x बाई 3 इक्वल टू माइनस 4 आ गया, अब 3 को इधर ले गए, तो हो गया x इक्वल टू माइनस 4 इंटू 3 इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया, ओके। अब इसमें डाल के देख सकते हैं कि सही आ रहा है या नहीं, तो वो कर लेंगे आप लोग, या करके देख लेते हैं। एक्स के लिए माइनस 12 डाल दिया, तो माइनस 12 बटे 3 प्लस 5 बाई 3, तो ये हो गया LHS, ठीक है, तो 5 बाई 2, सॉरी ये 5 बाई 2 हो गया। तो अब 2 और 3 का LCM निकाल लिया, तो वो 6 होता है, तो 3 दुना के 6, तो माइनस 12 दुना के माइनस 24, प्लस 2 तिहाई 6, तो 5 तिहाई 15, तो LHS इतना हो गया इक्वल टू 15 माइनस 24 और प्लस 15 हो गया माइनस 9 बाई 6, तो 3 से काट दिया, 3 दुना के 6, 3 तरीके के 9, तो ये हो गया माइनस 3 बाई 2, तो ये RHS के बराबर आ गया, यानी कि ये हमारा सोल्यूशन सही था, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, एक सम ऑफ टू नंबर्स इज 74, वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर, ठीक है, यानी कि एक नंबर अगर x है, सपोज ये नंबर x है, ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस x, ठीक है, क्योंकि दूसरा वाला पहले से 10 ज्यादा है, और उन दोनों का सम दे रखा है 74 है, तो 10 प्लस x प्लस x इक्वल टू 74, तो 10 प्लस 2x इक्वल टू 74, तो 2x इक्वल टू 10 को इधर ले गए, तो 64, तो x इक्वल टू 32, पहला नंबर 32 हो गया, दूसरा नंबर हो गया x प्लस 10, दूसरा नंबर हो गया 42, तो एक नंबर 32 और एक नंबर 42 हो गया, ठीक है।
दूसरा एग्जांपल देखते हैं एक। ये है व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर। अब एक चीज आती है यहां रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होते हैं जिनको समथिंग बटे समथिंग के फॉर्म में लिखा जा सके, जैसे 3/2 हो गया, ठीक है, जहां पे 3 भी इंटीजर हो और 2 भी इंटीजर हो, ठीक है। तो रेशनल नंबर में क्या होना चाहिए कि दोनों इंटीजर होना चाहिए, अंश भी इंटीजर और हर भी इंटीजर उस फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे √2 है, ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है, ठीक है। लेकिन 7/3 या 3/7 ये सब रेशनल नंबर है। तो जितने भी √2 वाली चीजें देखेंगे आप वही इरेशनल होंगी, बाकी सब आपके सिलेबस में सब कुछ रेशनल ही होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए कि सिर्फ रूट वाली चीजें इरेशनल होंगी, बाकी सब रेशनल होगा। और खैर उतना समझने की जरूरत नहीं अभी इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। तो इसमें क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर 7/3 -7/3 टू गेट 3/7। तो बोल रहा है कि इसके दुगने में, यानी कि ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नंबर हमारे पास, इसके दुगने में क्या चीज ऐड करें कि ये आ जाए। तो मान लिया कि x ऐड करें, ठीक है, व्हाट शुड बी, यानी कि x शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर दिस टू गेट दिस। तो -7/3 के दुगने में अगर x ऐड करें तो फिर हमें 3/7 मिलना चाहिए। तो क्या हो गया, ये 2 का गुणा -7 से हुआ, तो -14/3 प्लस एक्स इक्वल टू 3/7। तो x इक्वल टू 3/7 धन 14/3, ठीक है। अब 7 और 14 का जो 7 और 3 का LCM होता है 21 हो जाएगा, और 7 3 21 तो 3 3 9 और 3 7 21 तो 14 7 14 का पहाड़ा तो मुझे याद नहीं है, 14 7 हो गया 98, ठीक है 98। तो 98 9 107/21, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, सॉल्व एग्जांपल ये एनसीईआरटी का। द पेरिमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत, ये बोलते हैं आयत, इस 30, पेरिमीटर का मतलब होता है परिधि, सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं इसको। द पेरिमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2 3/4, ठीक है, फाइंड इट्स लेंथ। तो देखते हैं, इसमें रेक्टेंगल बोलते हैं जिसमें इस तरह की चीज होती है, एक चतुर्भुज होता है रेक्टेंगल भी, ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया, एक चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है और ये वाली इसके इक्वल होती है और ये सारे के सारे जो कोण होते हैं ये 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, ये रेक्टेंगल की परिभाषा होती है। तो इसमें सपोज लेंथ है, इसको लेंथ बोलते हैं, किसी एक को लेंथ बोल सकते हैं, ये लेंथ हो गई, और इसको बोलते हैं विड्थ, किसी एक को लेंथ बोल सकते हैं, किसी एक को विड्थ बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बड़ा होता है उसको लेंथ बोलते हैं और जो छोटा होता है साइज में उसको विड्थ बोलते हैं, ठीक है। तो लेंथ और विड्थ ही हो गई, तो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो गई, दोनों इक्वल हो गया, सामने की साइड इक्वल है और ये भी विड्थ हो गया, ठीक है। तो क्या बोला, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर बोलते हैं कि यहां से चले चार ओर की जो बाउंड्री की लेंथ होती है उसी को पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर पी बोल दिया इसको, पेरीमीटर जो दिया हुआ है वो पूछा है, पेरीमीटर ही बताना, नहीं सॉरी, पेरीमीटर 13 सेंटीमीटर दे रखा है और विड्थ दे रखी है, विड्थ दे रखी है 2 3/4, ठीक है। तो जब भी कोई नंबर इस तरह लिखा हो 2 3/4, इसका मतलब होता है 2 3/4, ठीक है, यानी 2 and 3/4 इसका मतलब होता है। तो 2 + 3/4 कर सकते हैं हम, तो ये 2/1 है, तो 4 और 1 का ले लिया तो 4 हो गया LCM, 1 4 4, 2 4 8, 4 1 4 तो 3 1 3, तो 11/4 हो गया ये, ठीक है।
तो ये हो गया 2 सही 3/4 का मतलब हो गया 11/4। तो विड्थ दे रखी है 11/4 और पेरीमीटर दे रखा है, तो मैं लेंथ बतानी है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एल प्लस डब्ल्यू प्लस एल प्लस डब्ल्यू यानी 2L+2W यानी कि 2 टाइम्स L+W। ठीक है, और हमें पेरीमीटर दे रखा है 11/4 के, सॉरी 13 सेंटीमीटर। तो 2 टाइम्स L+W इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो और तो क्या हो गया, 2L की वैल्यू, L हमें बताना और W दे रखा है 11/4 13। तो L+11/4 इक्वल टू 13/2 हो गया इसको जलाए तो। अब तो L क्या हो गया हमारा, L हो गया 13/2 -11/4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4, इसका एलसीएम 4 हो गया दोनों का, 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 दुना के 4 तो 13 दुना के 26 माइनस 4 एकम 4 तो 11 एकम 11। तो ये हो गया आपका, ये एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू आई 26 में से 11 जाए 15/4, 15/4 आ गया यानी लेंथ की वैल्यू 15/4, यही आंसर हमारा। ठीक है, ये देखते हैं दूसरा एग्जांपल। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल एड टू 66 ईयर्स, फाइंड द प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, तो यहाँ पे लिखते हैं हम प्रेजेंट एज, और यहाँ लिखते हैं साहिल, और यहाँ लिखते हैं मदर। तो साहिल की प्रेजेंट एज मान ली एक्स है, ठीक है, मदर की प्रेजेंट एज मान ली, मान के लिए दिया हुआ है 3 टाइम्स x है। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट एज। और आफ्टर 5 ईयर्स यानी कि यहां लिख दिया 5 ईयर्स, आफ्टर आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल एड टू 66 ईयर्स। तो 5 साल बाद, अभी एक्स है तो 5 साल बाद साहिल की उम्र हो जाएगी x+5, और मदर की 3x है तो 3x+5। लेकिन इधर रखा है कि 5 साल बाद इन दोनों लोग का सम जो है वो 66 साल हो जाता है। तो ये इधर रखा है कि अगर इसको और इसको जोड़ दिया जाए तो 66 हो जाएगा। तो x+5 + 3x+5 इक्वल टू 66 हो जाएगा। 3x+x हो गया 3x + x x x x+3x, ये हो गया 4x प्लस, यहाँ बचा 5 और 5 10 हो गया। तो 4x = 56, तो x = 56/4 = 14, तो x = 14 आ गया। यानी साहिल की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 14 साल, और मम्मी की हो गई 14 42 साल। ठीक है, तो 5 साल बाद इनकी उम्र कितनी हो गई, हो जाएगी 19 साल साहिल की, और उनकी मम्मी की उम्र हो जाएगी 42 5 47 साल हो जाएगी। और 47 और 19 जो जोड़ेंगे हम तो हो जाएगा 66। ठीक है, तो यानी हमारा सोल्यूशन सही है, ये सही सोल्यूशन है। तुम्हारा सोल्यूशन क्या हो गया, 14 साल और इनकी 42 साल। आगे एग्जांपल देखते हैं। बंसी हैज 3 टाइम्स as many 2 रुपीज क्वाइंस एज ही हैज 5 रुपी क्वाइंस। ठीक है, इफ ही हैज इन ऑल अ सम ऑफ 77, हाउ मेनी क्वाइंस ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव। ठीक है, तो उसके पास कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं और कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, तो 5 रुपए के सिक्के और कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं। 2 रुपए का सिक्का थोड़ा बड़ा होता है साइज में, और ये 5 रुपए का सिक्का है।
ये 5 रुपए का सिक्का, ठीक है, 5 रुपए 2 रुपए। क्या बोलता है, बंसी हैज 3 times as many 2 rupees coins एज ही हैज 5 rupee coins, यानी 5 रुपए के जितने सिक्के हैं उसके 3 गुना उसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं। तो ये बोल देंगे कि सॉल्व करेंगे इसको, तो लेट नंबर ऑफ 5 rupee coins इज एक्स, ठीक है, तो देन नंबर ऑफ सॉरी 2 rupee coins विल बी 3x, क्योंकि 3 गुना, ठीक है। हाउ मेनी क्वाइंस, उसके पास टोटल 77 रुपए है मतलब, ठीक है। तो अगर 5 रुपए का क्वाइन है और उसके पास एक्स क्वाइंस है तो टोटल कितने रुपए हो गए, 5x, ठीक है। मतलब अगर उसके पास 5 रुपए के 2 क्वाइन होते तो कितने जाते, 10 रुपए हो जाते हो, तो ये 5 दुना के 10 हो गया, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं कितने क्वाइंस है, तो वो एक्स क्वाइंस है, तो 5x हो गया ये। प्लस जो इसकी वैल्यू हो गई 3x, तो नंबर ऑफ क्वाइंस हो गए, और एक की वैल्यू 2 रुपए है, ठीक है, एक सिक्के की वैल्यू 2 रुपए है, तो इतना हो गया, तो ये हो गया 77। तो ये हो गया 5x+3 दुना के 6x=77, तो 11x=77, तो x=7, यानी कि उसके पास 5 रुपए के 7 क्वाइंस थे और 2 रुपए के 14 क्वाइंस थे, ठीक है। तो अगर 7 क्वाइंस है 2 रुपए, 5 रुपए के, तो 7 5 35 रुपए हो गए ये, और 14 क्वाइंस 2 रुपए के थे तो ये 28 रुपए हो गए। तो कितने रुपए उसके पास हो गए, 28 + 35, तो सॉरी कुछ गड़बड़ आया शायद हमारे पास, 11 से 77, 7 3 21 क्वाइन हो जाएंगे, सॉरी ये 21 क्वाइन हो गया, तो 21 दुना के 42 रुपए हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने रुपए उसके पास, 42 + 35, तो 5 2 7 और 4 3 7, 77 रुपए हो गया उसके पास। अगला एग्जांपल देखते हैं, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 11 इज 363, फाइंड दीज मल्टीपल्स, ठीक है। मल्टीपल बताया था क्या होता है, मल्टीपल मतलब ये होता है कि 11 में कोई संख्या गुणा कर दी जाए, ठीक है, कोई होल नंबर 11 में अगर गुणा करके लिखेंगे तो उसको मल्टीपल बोलते हैं। जैसे 11 के मल्टीपल क्या है, 77 भी 11 का मल्टीपल है, ठीक है, 88 मल्टीपल है, ठीक है, 110 भी मल्टीपल है। तो 11 जिन जिन नंबर्स को काट देता है पूरी तरह से, वो 11 के मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो अगर मल्टीपल की लिस्ट देखी जाए तो 11 का पहाड़ा लिखना चालू करते हैं हम, तो 11 22 33, 11 4 44, 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77, 11 8 88, 11 9 99, 11 10 110। हालांकि यहाँ खत्म नहीं होता, इसके आगे भी चलता है, तो 121 133, ठीक है। तो ये सारे के सारे 11 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। और ये उसका उल्टा बोलते हैं, तो ये बोलेंगे कि जैसे ये बोलेंगे 55 11 का मल्टीपल है, या फिर ये बोलेंगे कि 11 55 का फैक्टर है, तो दोनों चीजें सही है। तो सम ऑफ 3 consecutive multiples of 11 इज 363। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब कि लाइन से हो तीनों, तो जैसे 77 ले लिया, 88 ले लिया, 99 ले लिया, ठीक है, ये कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हो गए। तो इस तरह के 3 मल्टीपल्स लिए हमने और उनका सम है 363, तो हमें बताना है तीनों नंबर्स क्या क्या है, ठीक है। तो ये 3 नंबर कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे 55 66 77, ठीक है, पर हमें पता नहीं क्या लेना है। तो मान लिया कि जो सबसे छोटा नंबर है उसमें से वो एक्स है, ठीक है, तो ये सबसे लीस्ट वाला नंबर था या स्मॉलेस्ट, उन तीनों नंबर्स में जो सबसे छोटा वाला है वो एक्स है, उससे बड़ा वाला तो कॉन्जिक्यूटिव है, तो 11 का डिफरेंस होगा। जैसे 55 और 66 में 11 का डिफरेंस है, 66 और 77 में 11 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर पहला एक्स है तो दूसरा x+11 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा x+11+11, ठीक है, यानी ये इससे 11 बड़ा है, और ये वाला चीज इससे पहले अपने पहले वाले से 11 बड़ा, ठीक है। अब इन तीनों नंबर्स का सम दे रखा 363, तो
एक्स प्लस इलेवन प्लस एक्स प्लस इलेवन प्लस इलेवन इक्वल टू 363। तो ये हो गया एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस इलेवन 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 33 इक्वल टू 363। तो 3x इक्वल टू 363 माइनस 33, तो हो गया ये 333। ठीक है, तो x इक्वल टू हो गया, सॉरी ये 363 में से अगर 33 गया तो 330 आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 330 बटे 3, तो ये हो गया ये आपका 110, यानी जो सबसे छोटा वाला नंबर था वो 110 होगा। दूसरा हो जाएगा 121, तीसरा हो जाएगा 133, यानी कि ये वाला नंबर थे। इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 363 हो जाता है। तो हमारा आंसर ये हो गया। ये देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5। व्हाट आर द टू नंबर्स? ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें दो नंबर्स हैं वो हमें निकालने हैं। तो दोनों नंबर के बीच का रेशियो 2:5 दे रखा है। ठीक है, तो अगर एक नंबर सपोज हमने एक्स लिया, ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? एक नंबर एक्स है सपोज, दूसरा नंबर वाई है। ठीक है, तो ये दे रखा मैं एक्स बटे वाई है, जो उसकी वैल्यू है 2/5। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन द टू होल नंबर्स इज 66, यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 66। ठीक है, हालांकि इसमें हमने दो वेरिएबल्स लिए, एक्स और वाई। ठीक है, हम चाहते तो सिंगल वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते थे, तो वो भी कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब यहां पे देखें क्या क्या होगा। वाई इक्वल टू क्या हो गया, 5x/2। ठीक है, अब इस वाई को हम यहां पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2x-5x। चूंकि वाई यहां ध्यान दें डिफरेंस दे रखा है, तो ये हम लेंगे वाई माइनस एक्स इक्वल टू 66। ठीक है, क्योंकि वाई बड़ा है एक्स से। ठीक है, वाई जो है एक्स का 2.5 गुना बड़ा है, तो वाई माइनस एक्स इक्वल टू 66। तो वाई की जगह 5x/2 रख दिया, माइनस एक्स इक्वल टू 66, और ये हो गया 5x, मतलब 2.5x सही है, 2.5x माइनस एक्स 1.5x हुआ, 1.5x हुआ 3/2 इक्वल टू 66। तो एक्स इक्वल टू 66 × 2/3, 3 से ये कट गया 22 बना के 44, तो एक्स 44 आ गया हमारा। एक्स 44, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 5 × 44/2, 2 से काटा तो 22 हो गया, तो 22 × 5 = 110। ठीक है, तो वाई 110 हो गया। तो एक नंबर हमारा 44 हो गया, दूसरा नंबर 110 हो गया। इसका रेशियो देख लेते हैं, 44/110, 44/110 कितना हुआ, 11 से काटा 11 × 44, 11 × 2 = 110, फिर 2 से काटा 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, तो 2/5 रेशियो है। ठीक है, तो नंबर्स का रेशियो सही है। डिफरेंस कितना है, 110 - 44, तो ये आ गया 66, तो डिफरेंस भी सही है, यानी ये भी सही है। तो हमारे नंबर्स कितने हो गए, कितने कितने, 44 और 110। इसको हम सिंगल वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो देखते हैं कैसे कैसे होगा अगले स्लाइड में। इसमें सिंगल वेरिएबल से करते हैं, तो द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2/5। तो एक नंबर ले लिया हमने 2x और दूसरा नंबर ले लिया 5x। ठीक है, अब इसका रेशियो 2x/5x हो गया, तो एक्स एक्स कट जाता है यहाँ पे, तो 2/5 आ जाता है। ठीक
ठीक है, तो जब भी रेशियो ऐसे कुछ दिया हो 2:5, तो हम 2x और 5x ले सकते हैं, क्योंकि x x कट जाएगा। अगर मान लीजिए 3 नंबर होता और दिया होता रेशियो 3:4:6 रेशियो है, तो हम नंबर्स ले लेते हैं, एक को 3x ले लेते, एक को 4x ले लेते, एक को 6x ले लेते, ठीक है। तो इसका रेशियो 3:4:6 हो जाएगा। तो एक नंबर ले लिया हमने 2x, दूसरा नंबर ले लिया 5x, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 5x बड़ा है, और इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 66 है, तो दे रखा है उसके बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर इक्वल टू 66, ये दे रखा। तो यहाँ से आ गया 3x इक्वल टू 66, तो x = 22 आ गया। तो पहला नंबर कितना है? 2x है, तो 2x कितना है? 44, और 5x कितना हो जाएगा? 110। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो चाहे तो टू वेरिएबल से कर सकते हैं, चाहे तो वन वेरिएबल से कर सकते हैं। टू वेरिएबल अभी बताया नहीं है, वो नेक्स्ट, वो अगले कुछ लेसन से बताया जाएगा। ये एग्जाम्पल करते हैं, इसमें है देवेशी हैज अ टोटल ऑफ 590 रुपीज एज करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹50, ₹20 एंड ₹10। ठीक है, मतलब देवेशी के पास टोटल 590 रुपए हैं, जिनमें से कुछ नोट 50 के हैं, कुछ नोट 20 के हैं, कुछ नोट 10 के हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स एंड ₹20 नोट्स इज 3:5। ठीक है, इफ शी हैज टोटल ऑफ 25 नोट्स, हाउ मेनी नोट्स ऑफ इच डिनोमिनेशन सी हैज। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा इसमें ढेर सारे नंबर्स आ गए हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए, द रेशियो, उसके पास कुछ 50 रुपए के नोट है, ठीक है, और कुछ 20 रुपए के नोट है, और कुछ 10 रुपए के नोट है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट एंड 20 रुपीज नोट इज 3:5। इफ शी हैज टोटल ऑफ 25 नोट्स, हाउ मेनी नोट्स ऑफ इस डिनोमिनेशन शी हैज। तो अब इसमें 50 और 20 वाले का रेशियो दे रखा है, ठीक है, तो अगर 50 के उसके पास 3:5 दे रखा है, 50 रुपए के जो नोट है ये, वो मान लिया हमने 3x है, और जो 20 रुपए के नोट है वो ये मान लिया कि 2x है, ठीक है। तो टोटल 25 नोट्स हैं उसके पास, ठीक है, इसके 3x हो गए, इसके 2x हो गए, तो 10 वाले के कितने हो गए नोट्स? टोटल 25 है, तो 25 में से 5x घटा दिया, क्योंकि 5x तो इन दोनों के नोट्स है, संख्या जो है। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? ठीक है, हाँ, तो अब इन तीनों को सम करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 50 के नोट्स हो गए उसके टोटल 3x, 10 20 के नोट्स हो गए 2x, और इसके हो गए 25 माइनस 5x, ठीक है। जब आप बैंक में फॉर्म भरने जाते हैं, बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट करने जाते हैं, तो ऐसे लिखा होता है ना कि 1,000 के इतने नोट्स, तो यहाँ गुड़े का ऐसे निशान बना होता है, ठीक है, तो उसका मतलब यही होता है कि हमने 500 के 100 नोट जमा किए हैं, ठीक है, और 100 100 के 20 नोट जमा किए, तो यहाँ 100 20 ऐसे लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ भी। अब उसके पास जो टोटल नोट्स हैं वो है, उसके पास टोटल जो धनराशि है वो 590 रुपये है, तो अगर 50 रुपये के 3x नोट्स हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी हुई? 3x into 50, और उसी तरह से 20 रुपये के उसके 2x नोट्स हैं, तो उसकी वैल्यू हो गई 2x into 20 प्लस, और 25, 10 रुपये के उसके पास है 25 माइनस 5x into 10, इसकी वैल्यू 10, तो टोटल वैल्यू इतनी हो गई, और ये दे रखा है कि 590 रुपये है उसके पास, ठीक है। तो बस अब इसमें से 0 0 सब में से कट जाएगा, क्योंकि 0 सारे में है, तो यहाँ से 0 कट गया, यहाँ 0 कट गया, यहाँ 0 कट गया, 10 से भाग देता मतलब पूरे इक्वेशन में, ये हो गया 5 3 15x, इधर से हो गया ये 20 था, तो 0 कट गया, 2 हो गया, प्लस 4x,
प्लस 25 माइनस 5x इक्वल टू 59, तो 15 चार 19, 19 में से 5 जाए 14, 14x प्लस 25 इक्वल टू 59, 25 को इधर ले गए तो हो गया हमारे पास 14x माइनस 14x इक्वल टू 59 माइनस 25, 59 माइनस 25 हो गया आपका 34। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ है। एक्चुअली गड़बड़ यहाँ पे ये हुआ है कि ये 3:5x दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 3x है, ये 2x नहीं होगा, ये एक्चुअल में ये 5x है, ठीक है, तो ये भी 5x हो गया, तो ये हो गया 25 माइनस 8x। ठीक है, यहाँ भी ये 25 माइनस 8x हो गया, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ी होगी, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे हो गया ये तो 15x हो गया, यहाँ पे हो गया 5 दुना के 10x, ठीक है, और यहाँ हो गया 25 माइनस 8x, तो ये 8x हो गया। तो अब टोटल सम किया तो 15x प्लस 10x, 15 10 25x, 25 में से 8x जाए, 25 में से 8 जाए 17x, ये 17x हो गया, और ये तो ये सही है, ये तो वही रहेगा, तो यहाँ 14 की जगह 17 हो गया, 17x इक्वल टू 34, तो x इक्वल टू 34/17 तो 2 आ गया, यानी कि इसके पास 50 रुपए के कितने हैं, 3x है, यानी कि x 2 है, तो ये 6 नोट्स हो गए इसके पास, तो 50 के उसके पास 6 नोट है, और 20 के उसके पास 5x है, मतलब 10 नोट्स है, और टोटल 25 होने हैं, तो 25 में से ये दोनों घटा दिए तो 16, 25 में 16 गया, 9 नोट्स है, ठीक है, तो 9 नोट उसके पास 10 रुपए के हैं, 20 रुपए के 10 नोट है, 50 रुपए के 6 नोट है, तो यही हमारा आंसर हो गया।